काल, नमस्ते, आदाब, जांबो केनिया। आप सबका आपके अपने चैनल ब्यूटीशियन स्टाइलो कुदरत पर स्वागत है और मैं हूं आपकी दोस्त कुदरत। तो स्टाइलो फैम, आज जो मैं मेकअप लुक लेकर आई हूं, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी, बहुत ही कम प्रोडक्ट्स के साथ जो मैं लॉन्ग लास्टिंग स्वेट प्रूफ मेकअप आपके लिए लेकर आई हूं। तो गाइज, बिगिनर्स के पास इतने सारे मेकअप प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो फेस्टिवल सीजन चल रहा है तो उन सबके लिए एक फेस्टिव मेकअप लुक लेकर आती हूँ। अगर आप किसी भी फेस्टिव फंक्शन को जो है अटेंड करने जा रहे हैं तो आप इस तरह बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान तरीके से अपना लॉन्ग लास्टिंग जो है स्वेट प्रूफ मेकअप जो है वो आप कर सकते हैं। तो इस मेकअप लुक को गाइज मैंने 2.5 आवर पहले जो है वो मैंने किया था, तो ये वाला पार्ट मैं बाद में शूट कर रही हूँ क्योंकि मुझे कुकिंग करनी थी, तो मैंने वहां पर गैस के पास खड़े होकर खाना भी बनाया है, तो फिर भी आप मेरा मेकअप देख सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान सा मेकअप है गाइस, तो चलो देख लेते हैं कि ये लुक मैंने कैसे क्रिएट की है। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस, सबके पास जो मस्कारा, काजल, फेस पाउडर, फाउंडेशन या बीबी क्रीम या लिपस्टिक्स तो कई तरह की होती ही हैं, अलग अलग कलर्स की, तो हम आज इन्हीं प्रोडक्ट्स के साथ जो है मेकअप करेंगे। तो सबसे पहले आपको लेनी है एक आइस क्यूब, उसको इस तरह आप एक हैंकी में या कॉटन के कपड़े में लपेटकर इस तरह 1 से 1.5 मिनट तक आप अपने फेस की इसके साथ मसाज करें। इसके साथ आपके जो पोर्स हैं वो बंद हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे। तो रोज़ वाटर भी आप सबके घर पे होता है, तो इस तरह आप अपने फेस पर रोज़ वाटर लगा लें। उसके बाद मॉइस्चराइज़र भी आपके पास होगा, वो सभी के पास होता है, सभी यूज़ करते हैं इन प्रोडक्ट्स को, आपके घर पर होते ही हैं, तो आपको मॉइस्चराइज़र लगाना है। एलोवेरा जेल भी आप सभी के घर पे होती ही है, अगर नहीं भी है आपके पास तो भी इसके बिना भी चलेगा क्योंकि हमने आइस मसाज कर ली है ऑलरेडी अपने फेस के ऊपर। तो यहाँ पर मैं किस ब्यूटी की फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, दिस फाउंडेशन इज़ जस्ट लाइक बीबी क्रीम। आपके पास बीबी क्रीम होगी या फाउंडेशन होगी, जो भी आप यूज़ करते हैं, बिगिनर्स के पास इतनी चीज़ें तो होती ही हैं, तो इसको आप लगा लें। तो मैं हाथ की फिंगर्स की हेल्प के साथ ही इसको स्प्रेड कर रही हूँ क्योंकि बिगिनर्स के पास ब्रशेस भी ज़्यादा नहीं होते हैं, तो मैं बिगिनर्स फ्रेंडली ही ये वीडियो शूट कर रही हूँ, तो इसीलिए मैं इसको फिंगर्स की हेल्प के साथ ही ब्लेंड कर रही हूँ। उसके बाद ठंडे पानी के साथ हल्का सा आपको अपने हाथों को गीला करना है, सिर्फ गीला करना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं लेना है। तो इस तरह आप अपने फेस के ऊपर लगाएं, तो इसके साथ क्या होगा, फाउंडेशन हमारी लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगी, बेस हमारा लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा, लेकिन पानी का ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा लेंगे तो आपकी फाउंडेशन उतर जाएगी। उसके बाद यहाँ पर मैं मिस रोज़ का कॉम्पैक्ट ले रही हूँ, इस तरह प्रेस करते हुए आपको कॉम्पैक्ट को लगाना है। तो यहाँ पर मैं एक और टिप आपको दे देती हूँ, अगर आपके पास कॉम्पैक्ट या लूज़ पाउडर नहीं है तो आप यहाँ पे बेबी पाउडर जो होता है वाइट वाला लूज़ पाउडर, उसको भी आप हल्का सा लेकर हाथ पे इस तरह आप हाथों की हेल्प से ही आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास स्पॉन्ज भी नहीं है तो आपके हाथों के साथ ही हल्का हल्का आप अपने फेस पर लगा लें डैबिंग मोशन में। तो उसके बाद आपको अपने आईब्रोज को फिल करने के लिए इस तरह कोई भी ब्रश लेना है, जो भी आपके पास इस तरह का कोई ब्रश हो, नहीं है तो आप ज़रूर रखें अपने साथ, क्योंकि ब्रश की हेल्प के साथ अगर हम अपने आईब्रोज को फिल करेंगे तो अच्छी तरह वो फिल भी हो जाएंगे। तो इस तरह आप अपने आईब्रोज को फिल कर लें। तो यहाँ पर गाइस आप डिफरेंस देख सकते हैं दोनों आईब्रोज में। तो आपके पास उसके बाद आपके पास जो भी लिप कलर्स हों, जो भी लिप शेड्स आप यूज़ करना चाहें तो आप ले सकते हैं। कुछ मेरे पास मैट लिपस्टिक्स हैं लिक्विड वाली, तो कुछ मेरे पास जो है स्टिक वाली हैं, तो मैं लाइटर शेड ले रही हूँ। यहाँ पर ये वाली है मिस रोज़ की, तो इस तरह मैं अपनी आईलिड पर लगा रही हूँ। उसके बाद मैं इसको फिंगर की हेल्प के साथ अच्छी तरह ब्लेंड कर दूँ। उसके बाद अगेन आपको लेना है अपना काजल, तो इस तरह आउटर वी पर आपको अप्लाई करना है थोड़ा सा स्मोक आउट करने के लिए, इससे लुक जो है वो अच्छा आएगा। स्मोक आउट करें, उसके बाद में इसी के साथ ही एज आईलाइनर भी मैं अप्लाई करूँगी, तो आप देखेंगे बहुत ही प्यारा आई लुक इसके साथ जो है वो क्रिएट होगा। तो इस तरह अगेन मैं फिंगर की हेल्प के साथ जो मैंने स्मोक आउट किया है उसको भी ब्लेंड कर दूँगी ताकि हार्श लाइन्स भी ना दिखें। तो अभी आप देखिए आई कितना डिफरेंस आ गया है दोनों आईज़ में। तो यहाँ पर मैं फोकेलर की अब लिक्विड लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा सा मैं इसको लगाऊंगी ताकि हमने जो नीचे लिपस्टिक लगाई है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाए आई शेडो बेस। तो इसको भी मैं फिंगर की हेल्प के साथ अच्छी तरह ब्लेंड कर दूंगी।
तो यहाँ पर अगर आप काजल को इसी तरह रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, नहीं तो आप अगेन थोड़ा सा अप्लाई कर लें थोड़ा डार्क करने के लिए, क्योंकि जब ब्लेंड करें थोड़ा वो लाइट हो जाता है। तो इसको मैं इस तरह अपनी वाटर लाइन और टाइट लाइन भी इसी के साथ मैं कर रही हूँ। तो अगेन आपको जो भी आपके पास पाउडर अवेलेबल है उसे फिंगर की हेल्प के साथ लेना है और जहाँ पर आई शेडो है वहाँ पर लगाएं, तो आप देखेंगे कितना चेंज हो गया है, लाइट भी हो गया है और इसके साथ मैट भी हो जाएगा और लॉन्ग लास्टिंग और ज़्यादा हो जाएगा। यू कैन सी द डिफरेंस। तो उसके बाद अगेन मैं ब्रश की हेल्प के साथ जो हमने काजल अप्लाई किया है उसको थोड़ा सा स्मज कर दूंगी। तो अगेन मैं पाउडर ले रही हूँ, इसको भी जहाँ पर काजल अप्लाई किया है उसके नीचे आपको लगाना है ताकि आपका जो काजल है वो स्मज ना हो। तो यहाँ पर मैंने ब्लशर के लिए ये वाली लिपस्टिक यूज़ की है। अगर आप लिक्विड लिपस्टिक करेंगे थोड़ा आपको डिफ़िकल्ट होगा उसको ब्लेंड करना, तो इसे ही लगाएं अगर आप बिगिनर्स हैं। उसके बाद अगेन पाउडर की हेल्प के साथ आप इसको भी सेट कर दें, तो आप देख सकते हैं ये कितना नेचुरल सा लुक लग रहा है और लॉन्ग लास्टिंग भी हो गया है। तो मस्कारा भी आपके पास ज़रूर होगा, तो इस तरह आप अपनी आईलैशेस को मस्कारा के साथ कोट कर लें। तो अब आप अपनी मनचाही जो भी लिपस्टिक लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। तो गाइज ये वाला स्टेप ऑप्शनल है, अगर आपके पास हाइलाइटर है लगाना चाहें तो इस तरह आप लगा सकते हैं। मैं लगा रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा ग्लोई फेस जो है वो अच्छा लगता है। अगर आपके पास है तो लगाएं, नहीं है तब भी कोई बात नहीं है, इसी तरह आपका मेकअप लुक बहुत ही प्यारा लगेगा। तो ये है हमारी फाइनल लुक गाइस, देख सकते हैं मैंने कितने कम प्रोडक्ट्स के साथ बहुत ही आसान सा बहुत ही सिंपल सा बिगिनर्स फ्रेंडली मेकअप किया है। तो इस तरह आप अपना मेकअप कर सकते हैं। तो गाइस अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरी वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा। और अगर आप नए आए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो बाय बाय गाइस, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर, लव यू ऑल।